कहीं राम राज्य, कहीं डबल इंजन, तो कहीं राम राज्य के साथ डबल इंजन। मगर ऐसा लग रहा है कि ये सब के सब सिर्फ राजनीतिक मंचों से बोले जाने वाले भारी भरकम शब्द हैं। इनके पीछे की हकीकत बहुत ही घटिया और गंदी हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कानून व्यवस्था को लेकर खूब डींगे हाँक रहे थे। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल गए जिन्हें सुनने के बाद बड़े बड़े लोग पसीना छोड़ देंगे। मगर यूपी के असल कानून व्यवस्था की तरफ जब आप नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि छोटे छोटे लोग किस तरीके से खून पसीना दोनों बहा रहे हैं। यूपी पुलिस के कुछ ऐसी करतूतें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद स्वतः आपकी जबान से निकल जाएगा कि यूपी में अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करें। और सिर्फ यूपी में ही नहीं, भारत में इस वक्त एक ऐसा राज्य भी है जो लीबिया, लेबनान और सीरिया की तरह बन गया है, जहां पर कभी भी किसी भी क्षण कहीं पर भी किसी की भी जिंदगी छीनी जा सकती है, किसी की संपत्ति समाप्त हो सकती। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का कहना है। और सेना के एक पूर्व अधिकारी किस कदर मजबूर होकर सरकार को खोज रहे हैं, सरकार मिल नहीं रही है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरी बात विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध। यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर सुटवा कहां चला गया, आप टी शर्ट में क्यों आ रहे हैं? तो मामला यह है कि राम राज्य के स्मार्ट सिटी में जब आप होते हैं तो बिजली की व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो चुकी है। इतनी दुरुस्त हो चुकी है कि एक वीडियो करने में सर का पसीना नीचे तक चला जाता है, यानी पांव तक पहुंच जाता है। फिलहाल आप देश के किस राज्य से हैं और वहां पर बिजली व्यवस्था की क्या स्थिति है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में हम इस पर लाइव कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि भारत में इस वक्त बिजली की व्यवस्था कैसी चल रही है। अब मैं जो बातें कहने जा रहा हूं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए और नेताओं की बयानबाजी तथा हकीकत में फर्क करते जाइए। पिछले दिनों यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए कहा था कि अब यूपी की कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गई है, अपराध और अपराधी दोनों समाप्ति की ओर है। अब कोई बदमाश किसी व्यापारी से फिरौती नहीं मांग सकता। मगर यूपी में ही किस तरह से व्यापारी की गाड़ी से 50 किलो चांदी पुलिस वाले ही लूट लेते हैं, यह खबर भी हमने आपको बताई थी। अब इस मामले को जरा ध्यान से देख लीजिए। तमंचा दिखाकर SBI की फ्रेंचाइजी में लूट हो गई। 3 बदमाश चेहरा वगैरह बांध कर आए और कुछ ही मिनट के भीतर लैपटॉप मोबाइल समेत 1,00,000 रुपया लूट ले गए। आप चाहें तो कह सकते हैं कि फिरौती तो नहीं मांगा, मुख्यमंत्री ने कहा था कि फिरौती नहीं मांग सकते। महाराजगंज में दिन दहाड़े मुंह बांध कर 3 लोग आते हैं और छाती पे बंदूक सटा के रामराज्य को मजबूत करके चले जाते हैं। हालांकि यहां पर तमंचा कनपट्टी भी नहीं सटाया गया। वैसे इस तरह की घटनाएं तो आम हैं, होती रहती हैं। मगर अब हम जिन घटनाओं की चर्चा करने जा रहे हैं, इन्हें सुनने के बाद आप फैसला करिएगा कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। दैनिक भास्कर की इस खबर को ध्यान से देखिए। यूपी पुलिस समय पर एक्शन लेती तो मरना नहीं पड़ता। 25 दिन के भीतर सुसाइड के 5 मामले सामने आए हैं। बहुत ही संक्षेप में एक एक घटना को बता रहा हूं। इनमें से कई मामलों पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इस बार इकट्ठा देख लीजिए। पीलीभीत में एक नाबालिग लड़की को 3 लड़के उठा ले गए, एक ने उसके साथ रेप किया। बच्ची के पिता चाहते थे कि आरोपियों पर कार्यवाही हो, लेकिन यूपी पुलिस कार्रवाई की जगह समझौता कराने पर जोर देती रही। एक हफ्ते बाद मजबूर पिता ने आत्महत्या कर ली। एक बार उस पिता के स्थान पर खुद को रखकर सोचिए और कल्पना करिए कि वो व्यक्ति किस कदर मजबूर हो गया होगा जिसकी बिटिया के साथ ऐसी दरिंदगी हुई और कानून व्यवस्था को कायम रखने के जिम्मेदार लोग समझौता कराने में लगे रहे। कानून के इन रखवालों से पूछा जाना चाहिए कि ईश्वर न करे कभी इनकी परिवार की बिटिया के साथ यदि ऐसा हो जाए, इस तरह की घटना हो जाए, तो भी क्या ये समझौता कराना चाहेंगे? क्या इस देश में गरीबों, दलितों और किसानों की बेटियों की कोई इज्जत नहीं होती? क्या उन्हें चंद रुपयों और प्रशासन के दबाव के बदले में खरीदा या बेचा जा सकता है? इसी तरह से जालौन में एक बिटिया के साथ रेप हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई। पीड़िता के मजदूर पिता केस दर्ज करवाने गए तो यूपी पुलिस ने उल्टे मुकदमा उन्हीं के ऊपर लादने की धमकी दे दी। राम राज्य की पुलिस बड़ी तगड़ी है। गलती करने वाले पर मुकदमा हो ना हो, कार्यवाही हो ना हो, लेकिन शिकायतकर्ता के ऊपर मुकदमा ठोकने की धमकी पहले दे दी जाती है। अपनी बिटिया को न्याय न मिल पाने की स्थिति में इस मजबूर पिता ने भी अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया। एक सप्ताह पहले ही यूपी के अमरोहा में एक किसान और लखनऊ के मलिहाबाद में एक युवक ने भी यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली से परेशान होकर अपनी सांसें रोक देने का फैसला किया। हमने पिछले किसी वीडियो में बताया था कि किस तरीके से एक दलित नौजवान जो IAS IPS बनने का सपना देख रहा था, तैयारी कर रहा था, यूपी पुलिस ने उसके सपनों के साथ साथ उसकी जिंदगी भी छीन ली। इतना ही नहीं, अब 5वां मामला सुनिए। सीतापुर में एक रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। यानी कि कुल मिलाकर 25 दिन के भीतर एक रेप पीड़िता, 2 रेप पीड़िताओं के पिता, एक प्रतियोगी छात्र और एक किसान ने आत्महत्या की। और सभी में, इन सभी मामलों में कहीं पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा तो कहीं 50,000 रुपए घूस मांगने का आरोप सामने आया। वैसे एक कहानी बड़ी मशहूर है कि किसी की जिंदगी बर्बाद करनी हो या जीवन में तूफान लाना हो तो उसे पुलिस और कोर्ट का रास्ता दिखा दीजिए, इसके बाद तो कई पुश्तें उसी में बर्बाद हो जाएंगी। यहां पर न्याय शिकायतकर्ता के साथ हुई घटना को देखकर नहीं बल्कि शिकायतकर्ता को
देखकर होता है। यदि आप आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हैं तो फिर न्याय आपको ढूंढते हुए आपके घर के बाथरूम तक पहुंच जाएगा। लेकिन यदि आप गरीब हैं, कमजोर हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं तो फिर न्याय ढूंढते ढूंढते आप खुद ही बाथरूम बन जाएंगे और पुलिसिया प्रताड़ना की बदबू आपके शरीर से निकलने लगेगी। जो लोग इसे झेलते हैं वे घिसट घिसट कर आगे बढ़ते हैं, जो नहीं झेल पाते वो दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। आपके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा होगा कि मैं इन मौतों के लिए यूपी पुलिस की तरफ उंगली क्यों उठा रहा हूं? इसलिए क्योंकि किसी को मारने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार सीधे हमला करके मार दिया जाए। अक्सर ऐसी परिस्थिति बना दी जाती है कि व्यक्ति के सामने कोई रास्ता ही नहीं बचता, मगर उन पुलिस अधिकारियों के बारे में सोचकर तरस आता है जो लोग रेप पीड़िताओं के परिवार वालों को थाने में गालियां देकर भगा देते हैं। जब खबर मिलती होगी कि थाने में भगाए जाने के बाद रेप पीड़िता या उसके अभिभावक ने आत्महत्या कर ली तो ये पुलिस वाले खुद के ऊपर शर्म महसूस करते होंगे या फिर छाते ठोक कर कहते होंगे कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अपनी स्क्रीन पर इस पत्र को देखिए। यह पत्र जान देने से पहले लिखा गया है। 38 साल के मदन ने इस पत्र में लिखा है कि यह सरकार भी गंदी है और इस सरकार के कर्मचारी भी गंदे हैं और यूपी पुलिस पर 5,00,000 लेकर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी बीवी बच्चों के लिए न्याय की मांग की है। परिवार का कहना है कि जब हादसा हुआ तब मदन गाड़ी नहीं चला रहे थे, इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें लगातार परेशान किया। इस टॉर्चर से उन्हें आगे का कोई रास्ता नहीं सूझा और अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। इस तरह के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस और उसकी कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। अब जरा मणिपुर चले चलिए। मणिपुर वो राज्य है जो लगभग 1.5 महीने से जल रहा है, मगर कोई देखने सुनने वाला नहीं है, क्योंकि होता तो 1.5 महीने का वक्त यूं ही नहीं गुजर जाता। इम्फाल पश्चिम के थाने में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हथियार लूटने की कोशिश की। सोचिए, थाने में लूट हो रही है, सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया। दूसरी घटना में भाजपा के ही एक विधायक विश्वजीत के घर आग लगाने की कोशिश की गई। सोचकर देखिए, जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के विधायक के घर के ऊपर हमला हो रहा है। यहां पर किसी तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स ने उन्हें रोका। तीसरी घटना में सांगमन और सिंजे माई नाम की दो जगहों पर भीड़ ने बीजेपी ऑफिस पर हमला किया, यानी कि बीजेपी अपने ही लोगों को बचा नहीं पा रही है। यहां पर सेना के जवानों ने भीड़ को भगाया। चौथी घटना में राजधानी इम्फाल में भीड़ ने देर रात बीजेपी की महिला अध्यक्ष शारदा देवी के घर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। यहां पर भी सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। और पांचवी घटना राजधानी में ही पैलेस कंपाउंड की है, जहां पर लगभग 1,000 की भीड़ ने कंपाउंड को जलाने की कोशिश की। सवाल यह है कि देश मजबूत हाथों में है बोलकर शोर मचाने वाले कहां गायब हो गए हैं? ये कौन सा मजबूत हाथ है जिसके रहते भारत का एक प्रदेश इस कदर जल रहा है? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत ने गुरुवार सुबह ट्वीट किया कि मैं मणिपुर का एक साधारण भारतीय हूं जो सेवानिवृत्त जीवन जी रहा है। राज्य अब स्टेटलेस हो गया है, यानी कि राज्य में अब कोई सरकार नहीं है, ऐसा लग रहा है। जिंदगी और संपत्ति को कोई भी कभी भी किसी भी तरीके से खत्म कर सकता है, जैसे लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया और सीरिया में होता है। ऐसा लगता है कि मणिपुर को अपनी ही आग में उबलने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? इसके बाद भारत के पूर्व आर्मी चीफ बीपी मलिक ने पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दखल देने की अपील की और चिंता जाहिर करते हुए कहा कि एक सैन्य अधिकारी का ऐसा कहना बहुत दुख की बात है। राज्य के हालात पर सरकार के लोगों को तुरंत ध्यान देना चाहिए। सवाल यह है कि बेमतलब के मुद्दों को ढूंढकर देश के जो माननीय प्रधानमंत्री घंटों तक भाषण देते हैं, मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो गए, वो देश की इतनी बड़ी समस्याओं पर कोई बात क्यों नहीं करते? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ दीजिए, किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कभी भी पत्रकारों के सवालों का जवाब दे पाएंगे। मैं बोल रहा हूं देंगे नहीं, वो दे ही नहीं पाएंगे, मगर कम से कम एक तरफा जवाब ही दे देते। जहां भी फेल होते हुए नजर आते हैं वहां सन्नाटा क्यों मार लेते हैं? मणिपुर के लोगों ने तो डबल इंजन लगा कर दिया था, उनका क्या दोष है जो आपने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है, जलने के लिए छोड़ दिया है? देश के जो गृहमंत्री राजनीतिक रैलियों में घूम घूम कर इस बात का दंभ भरते थे कि हमने पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मार दिया है, वो अपने ही देश में उग्रवादियों को पकड़ने में, उन्हें रोकने में असफल क्यों हो रहे हैं? आखिर कैसे पिछले 1.5 महीने के भीतर मणिपुर में 100 से अधिक लोग मार दिए गए, 60,000 से अधिक लोग घर से बेघर हैं और करोड़ों अरबों की संपत्तियां जला दी गई हैं। खुद बीजेपी के विधायक और नेताओं पर जानलेवा और खतरनाक हमले हो रहे हैं। क्या यह सवाल नहीं होना चाहिए कि यह कौन सा संयोग है या प्रयोग चल रहा है? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा काम पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।